को वोट दीजिए आपको 35 रुपए तेल मिलेगा तो यहाँ तो हो जा रहा है 170 रुपया खाने का तेल और भरने का तेल हो जा रहा है 102 रुपया। वो तो डेढ़ आग वाला बाबा मिल रहा नहीं है, उसको तो साला चप्पल से मारेंगे मिलेगा। तो सुअर का बच्चा बोला था 35 रुपया होगा। गवर्नमेंट चोर है सर, इतने जानते हैं, हर गवर्नमेंट चोर है, कोई गवर्नमेंट सौगात नहीं है। सब मिल बांट के खाते हैं और सब मिल बांट के हम लोग का मजा लेते हैं। क्या जा रहा है ये, कुछ तो कमाए तो फिर गाड़ी क्यों निकाला, गाड़ी पूरा बंद कर दे, बैलगाड़ी तो शुरू हो जाए। हाँ वही बात, तो वो जो चाय जैसी केतली लेके मोदी जी घूरते थे, हम लोग भी लेके घूरेंगे, बैलगाड़ी में घूरेंगे टिंग टिंग कर करके। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं। नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी। पूरे देश भर में पेट्रोल जो है हाहाकार मचाया हुआ है, देश भर के लोग जो है बाबा रामदेव को तलाश कर रहे हैं, वैसे कि 35 रुपये वाला पेट्रोल कब से शुरू होगा। पूरे वेस्ट बंगाल के कोलकाता में जितने भी पेट्रोल पंप है, पेट्रोल डीलर एसोसिएशन की तरफ से 24 घंटे की हड़ताल की गई है, मगर ये इमरजेंसी पेट्रोल पंप है तो यहाँ पर फिलहाल पेट्रोल मिल रहा है। एक लंबी कतार है यहाँ पर लोगों की, देख लीजिए, और ये सारे लोग जो है बाबा रामदेव को ज़रूर तलाश कर रहे होंगे, क्योंकि 35 रुपये वाला पेट्रोल वो बेच रहे थे 2014 में मोदी जी के शासन के बाद। ना वो पेट्रोल मिल रहा है, ना बाबा रामदेव नज़र आ रहे हैं। तो वो साथियों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार जिस तरह से पेट्रोल की बढ़ती महंगाई और पेट्रोल को लेकर जो जनता बेहाल है, मोदी सरकार खामोश बैठी हुई है और बाबा रामदेव जो नज़र नहीं आ रहे, तो लोगों से जानेंगे। दादा क्या नाम आपका? मोहम्मद रियाजुद्दीन। रियाज साहब, पेट्रोल तो आज पूरे वेस्ट कोलकाता में हड़ताल है 24 घंटे के लिए, आज जो पेट्रोल ले रहे हैं तो बाबा रामदेव को ढूंढ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल ढूंढ रहे हैं, वो तो मतलब कहाँ जा कर के सो गए हैं कुछ पता ही नहीं है उनका, लंबा लंबा खाली बात करते हैं लेकिन जब काम का टाइम रहता है तो कुछ काम नहीं करते वो लोग। ये जो सरकार जो है, सरकार को तो उठा करके फेंक देना चाहिए, ये मतलब हम लोगों को इतना बुरा हाल में ला करके छोड़ दिया है। आज हर आदमी परेशान है, हर एक आदमी परेशान है, तेल का दाम जमीन से आसमान छू रहा है, मगर वो लोग मतलब कांग्रेस शासन काल में तेल 70 रुपये था तो भाजपा के लोग ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे कि देश लूट गया, और आज जब 101 रुपये हो गया तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि देश को बढ़ाने के लिए पेट्रोल का दाम बढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्मृति ईरानी को देखे थे आप, वो जब तेल का दाम के लेकर के वो क्या कर रही थी, लेकिन आज देखिए वो मतलब कहीं दिखाई नहीं देती है। लोग इतना आवाज़ दे रहे हैं मगर उनका कहीं पर अता पता नहीं है कुछ भी, बस ऐसे ही चल। उम्मीद लगा रहे गाड़ी चलाएंगे कि बैलगाड़ी पर आएंगे? नहीं सर, हम लोग तो अभी ठेला गाड़ी जो है अब वही यूज़ करेंगे, साइकिल यूज़ करेंगे, बैलगाड़ी यूज़ करेंगे, अब क्या करेंगे। अब उसी पे हम लोग सब अब मतलब आना है, उसी पे मतलब एनर्जी भी थोड़ा 2-3 रुपया कम कर दे तो शायद कुछ राहत हो जाए। 2-3 रुपये से कोई राहत नहीं होएगा सर, अगर 2-3 रुपया कम करेगा उसके बाद में फिर देखिएगा फिर वो दाम बढ़ गया, फिर वो बढ़ करके उतने ही में आएगा, 2-3 से क्या होएगा बोलिए ना। 105 रुपया 4 रुपया अगर चल रहा है उसमें अगर कम हुआ है तो कम होकर कितना आएगा, 100 आएगा, वो भी तो बहुत है। अगर तेल का दाम 50-60-65 इतना में आएगा तब जा करके पब्लिक को कुछ राहत मिलेगा। क्या नाम है भाई आपका? इश्तियाक आलम। अच्छा इश्तियाक, तो बाबा रामदेव को खोज रहे हो कि नहीं? बाबा रामदेव को तो हम लोग खोज के क्या करें, जब जनता ही चुपे तो हम लोग बोल के क्या करेंगे उसके सामने? आप जनता में नहीं है? जनता में तो सब जनता बोले तब ना एक साथ सब बोलेगा, एक चुप रहा दूसरा बोल के क्या करें। तो कितने दिनों से आप गाड़ी चला रहे? 4 साल। 4 साल, तो 4 साल में शायद ये पहले मरतब ऐसा होगा जो 100 के पार हो गया पेट्रोल। तो आप कितना ले रहे हैं पेट्रोल? पहले कितना भराते थे और आप कितना? पहले टैंकी हमेशा फुल रहता, अभी 100 रुपया भराना मुश्किल हो गया, ऐसा सिचुएशन है। गर्लफ्रेंड को लेके लोग घूमते भी बहुत थे, आपने गर्लफ्रेंड नहीं दिया, अब गर्लफ्रेंड है, पहले नहीं दिया। अब साथियों से जानेंगे, तो नाराज है ना सरकार से? सरकार तो नजर ही नहीं आ रहा है, कहाँ सरकार है, जहाँ देख रहे हैं वहाँ रेट बढ़ रहा है, कभी लॉकडाउन कर दे रहा है, कभी कुछ ना कुछ। लॉकडाउन वगैरह है कि नहीं? लॉकडाउन तो सब तो बोल रहे हैं लॉकडाउन है, लेकिन कहाँ पे लॉकडाउन, हमको तो नजर ही नहीं आ रहा है। आइए कुछ एक और भैया, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ परवेज आलम। परवेज साहब एक बात बताइए, 101 रुपए पेट्रोल खरीद रहे, बाबा रामदेव को खोज रहे लोग कि भाई 35 रुपए आप बेच रहे थे। कहा था कि ये सरकार को वोट दीजिए आपको 35 रुपए तेल मिलेगा तो यहाँ तो हो जा रहा है 170 रुपए खाने का तेल और भरने का तेल हो जा रहा है 102 रुपया। वो तो डेढ़ आग वाला बाबा मिल रहा नहीं है, उसको तो साला चप्पल से मारेंगे मिलेगा। तो सुअर का बच्चा बोला था 35 रुपया होगा, यहाँ हो गया साला 102 रुपया, तेल का दाम ही कम नहीं हो रहा, ऊपर से 9 बजे के बाद लॉकडाउन रहता है, पुलिस पकड़ता है, अलग परेशानी, आदमी क्या करेगा, काम धंधा कुछ है ही नहीं, रोजगार नहीं है, बेकारी बढ़ते जा रहा है, चोरी बढ़ते जा रहा है। सर क्या नाम हुआ? केवल अग्रवाल सर। अग्रवाल जी, 101 रुपए पेट्रोल हो गया, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि देश को उन्नति के लिए तेल का दाम बढ़ा। सर हर गवर्नमेंट चोर है सर, इतने जानते हैं, हर गवर्नमेंट चोर है, कोई गवर्नमेंट सौगात नहीं है।
सब मिल भर के खाते हैं और सब मिल बांट के हम लोग का मजा लेते हैं, और कुछ नहीं है। पेट्रोल के दाम पहली बार जीवन में बढ़ रहे तो लोग बाबा रामदेव को छोड़ रहे हैं। रामदेव बाबा हो चाहे कोई हो, हमको से किसी से मतलब नहीं है दादा, बस आम आदमी मर रहा है, आम जनता मर रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। और नेता लोग अपने पॉकेट भर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है बस। जी आइए कुछ और, बहुत गुस्से में है, जज्बाती भी है, लोग परेशान भी है, तो पूछेंगे लोगों से क्योंकि पूरे राज्य भर में पेट्रोल की महामारी चल रही है। तो सर क्या नाम है आपका? क्या नाम? सोहराबुद्दीन। अच्छा सोहराबुद्दीन, तो अभी पेट्रोल लेने आए तो कितना भराएंगे, 100 रुपया का या पूरा टैंकी फुल करवाएंगे? नहीं अभी 2 दिन के लिए भरा लेंगे, हो गया खत्म। जितना नहीं लंबा नहीं है, जितना दूर काम है उतना दूर का चाहिए। आइए कुछ और साथियों से जानेंगे, पूरे बंगाल में पेट्रोल का स्ट्राइक चला हुआ है, लंबी भीड़ है, सिर्फ एक जगह पे पेट्रोल है, तो पूरे देश भर में माहौल है पेट्रोल का, मगर भाजपा के लोग कह रहे हैं कि देश को उन्नति के लिए पेट्रोल का महंगा होना जरूरी है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अमीन। अमीन साहब, तो आज कितने का तेल भराएंगे, पूरा फुल करवाएंगे या 100%? नहीं नहीं, जैसे भराते वैसे ही भराएंगे। तो आपके जीवन में पेट्रोल के महंगा होने से कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल दिक्कत है भाई, कैसे दिक्कत नहीं है। जो लोग कल पूरा टंकी फुल कराते थे, अब वो कह रहे हैं कि हम 10 का भरा लेंगे, 20 का भरा, ये दूसरा बात है, मगर दाम बढ़ा सबको इफेक्ट पड़ रहा है, जो ज़्यादा भरा या कम भरा है उससे क्या है। 2014-13 में जब 70-75 रुपये पेट्रोल होता था, तो भाजपा के लोग या अटल बिहारी वाजपेयी ये बैलगाड़ी पर सांसद गए थे 1991 में, जब 17 पैसा बढ़ा था, और पिछले 45 दिन में 50 रुपया बढ़ा है, 60 रुपया बढ़ गया तेल का, तो इस पर भाजपा के लोग कुछ नहीं कह रहे? नहीं कुछ नहीं बोल रहे, बोल डेवलप हो रहा है, दाम बढ़ रहा है, है ना, गैस का दाम बढ़ गया, गैस का भी बढ़ गया बहुत दाम, नहीं नहीं 419 रुपये में हम लोग गैस लेते थे जब कांग्रेस था वहाँ पे, और अभी कितना हो गया? 8 से 925। अभी वो 900 कितना हो गया, डबल। 71 रुपया आता था वो भी खत्म, सब खत्म हो गया, कोई सब्सिडी नहीं मिलता है, अब पेट्रोल का भी दाम बढ़ गया है ना, सब कितना था। कब तक चलेगा, क्या लग रहा है कि बदला होगा? सरकार बोल दी है कि पैसा नहीं है सरकार के पास, सरकार तेल का दाम नहीं घटाए, क्या कर सकते हैं हम लोग, कहाँ पे थोड़ी है भाई, कम बेसी हम लोग थोड़ी कर सकते हैं वहाँ से जैसे, और हम लोग पब्लिक को तो लेने पड़ा, देखिए लाइन कितना लगा हुआ है पीछे, है ना जी। क्या नाम हो रहा है? मोहम्मद इमरान। तो तेल कितना का भराइएगा? 50 रुपया का। 50 रुपया का तेल भराइएगा यार, 50 रुपया तो चाय का दाम हो गया आजकल। बात तो सही है। ये दिन कौन की है? ये दिन तो मोदी जी ना लाए हैं, ये दिन कौन की है? नहीं नहीं चलते हैं ऐसी चाय वाले से, आप बन गए मुख्यमंत्री, वही जो भी कुछ भी बने तो क्या किए, देखिए हम लोग दीदी के टाइम में क्या था, अभी क्या है, अभी क्या है ये बताइए, अभी देखिए 3 में बाहर में लगा पेट्रोल के 30 रुपीस का। हाँ अभी ब्लैक में 100 रुपये तेल लेके आ चुके ऑलरेडी, पंप बंद था बोल के, अभी भी तेल तो लगेगा ना, अभी यहाँ 102-103 क्या जा रहा है, ये कुछ तो कमाए तो फिर गाड़ी क्यों निकाला, गाड़ी पूरा बंद कर दे, बैलगाड़ी का शुरू हो जाए। हाँ वही बात, तो वो जो चाय जैसी केतली लेके मोदी जी घूरते थे, हम लोग भी लेके घूरेंगे बैलगाड़ी में, घूरेंगे टिंग टिंग कर करके, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए और कुछ साथियों से बातचीत करेंगे क्योंकि लोग बड़े परेशान। क्या नाम है? इससे बात क्या नाम है? फहद नाम है। मास्क उतार लीजिए, कोरोना नहीं है, अभी चुनाव खत्म हो चुका जी। ये है कि 100 रुपये तेल भी अभी बिक रहा है, तो अभी कितना का भराएंगे? काफ़ी महंगी गाड़ी है आपकी वैसे। भरवाएंगे 300-400 का, और क्या, कल तेल बढ़ने चलेगा, दिक्कत तो सभी को होता है, तेल बढ़ने से हर चीज़ का दाम बढ़ता है, सब्जी का दाम बढ़ेगा, हर चीज़ का दाम बढ़ेगा, दिक्कत तो सभी को है, दिक्कत कैसे नहीं हो। खोज रहे लोगों को बाइक की, 35 रुपये में ले लो पतंजलि वाला वो। हाँ तो लोग तो उनको ढूंढना चाहिए ना, जब बोल के गए थे 65 रुपये में तेल मिलेगा, अब तो 35 में, अब तो मिल नहीं रहा है, तो क्या मतलब बाबा पतंजलि का निकालेंगे क्या पेट्रोल पंप। साथियों से बातचीत करेंगे तेल के, जिस तरह से बढ़ती चीज़ को लेकर। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अहमद है, बोलिए क्या बात। बात क्या है, पेट्रोल भराइएगा कितने का? देखेंगे 10-20 रुपये का मिल जाए तो ले लेंगे। 10-20 का लीजिएगा भाई, 500 से कम में काम चलता है अभी, तो फिर फायदा क्या, 500 रुपये से कम नहीं लेगा आदमी, क्या करे। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि 500 भी हो जाएगा तो भराएंगे हम लोग। हाँ तो वो लोग भरा सकते हैं, उनके अंदर ताकत है, वो तो बहुत जगह भरवाते हैं, कहीं भी भरवा सकते हो, कहीं भी ना। हाँ उनके अंदर ताकत है भरवाने का, हमारे अंदर ताकत नहीं। एक बात बताइए कि जैसे आम जिंदगी 2014 में 65 रुपये पेट्रोल थी, और अब जो है आम जिंदगी 101 रुपये तेल खरीद रही है, तो अब तो ऐसा हो गया ना कि पहले आदमी नहीं भी जरूरत होता तो गाड़ी से निकल जाता था, अब तो ऐसा सिचुएशन नहीं, अब जरूरत पर निकलता है इंसान, समझे, तो अब जरूरत पर निकलेगा और क्या। एक और कुछ और साथी से बात करेंगे क्योंकि तेल के जिस तरह से महामारी का माहौल है,
उसमें 101 रुपए है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट ये कह रही है कि तेल के दाम फिलहाल घटने वाले नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल है सरकार मंदिर बनाने में व्यस्त है, सरकार मंदिर बनाने के ही कोशिश में लगी है, तो शायद मंदिर में चंदा देने के लिए सरकार के पास फंडिंग की कमी है और इसी फंडिंग को पूरा करने के लिए पेट्रोल का दाम जो है आज ज़मीन से उठाकर आसमान पर कर दिया गया है। लोग भड़वा रहे क्योंकि लोगों के जीवन में पेट्रोल का महत्व है। आज के जीवन में आप डीजल और पेट्रोल को छोड़कर अपने जीवन को अगर आगे की तरफ सोच रहे हैं तो आप अंधेरे का शिकार है। सवाल दूसरा यह है कि बाबा रामदेव लगातार 35 रुपए कह रहे थे, वो तो नज़र नहीं आ रहे 2014 से, मगर जो आम जिंदगी है वो बहुत कठिन हो चुकी है और बहुत परेशानी की परिस्थितियों से गुजर रही है। पूरे वेस्ट बंगाल के कोलकाता में और भी कोलकाता से जुड़े जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सभी डिस्ट्रिक्ट में पेट्रोल को लेकर जो डीलर एसोसिएशन उनकी तरफ से हड़ताल है, मगर ये इमरजेंसी सेवा के लिए आज यहाँ खोली गई है। मगर देश भर में पेट्रोल के लिए हाहाकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लोग नाराज है, मगर सरकार की तरफ से कोई अपडेट नहीं है। रजा अंसारी की रिपोर्ट कोलकाता से, जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद।